हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज आप लोग को व्हाइट सॉस पास्ता बना के दिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पास्ता बनाने को बहुत सारा टाइप का आता है, मैं ऐसे लिया पास्ते को। और व्हाइट सॉस के लिए मैदा 2 चम्मच, फुल फैट मिल्क लिया, बटर लिया, स्वाद अनुसार नमक, मिक्स्ड हर्ब काला मिरी और चिली फ्लेक्स, एक ऑनियन कट के रखा, एक कैप्सिकम, थोड़ा 2-4 लहसुन कलियाँ कट के रखा और वेजिटेबल ऑस बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। चीज़ एक स्लाइस लिया चीज़ का, बस इतना। ऐसे टोक रख के थोड़ा सा पानी बॉईल करने को लिए रख दिया। पानी में उबाल आ गया, अभी जो पास्ता लिया वो ऐड कर दिया और थोड़ा सा नमक। बॉईल होने को लिए रख दिया और 1 चम्मच ऑयल। दूसरा गैस ऑन करके पहले थोड़ा बटर ऐड करूंगी। एक चम्मच बटर ऐड किया पहले। बटर मेल्ट हो गया, अभी इसमें जो लहसुन बारीक कट के रखा था वो ऐड किया। वो थोड़ा फ्राई होने को बाद कंदा वेजिटेबल्स सब ऐड करूँगी। अभी जो कंदा लिया वो ऐड कर रहा हूँ मैं और वो भी 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। पहले कंदा फ्राई हो गया, अभी जो कैप्सिकम लिया वो ऐड कर दिया। आप लोग बहुत सारा टाइप का कैप्सिकम आते हैं और वेजिटेबल लोग मनपसंद ऐड कर सकते हैं। एक पास्ता लेके ऐसे देखने का, बॉयल हो गया, गैस बंद कर दिया और एक बाउल में स्ट्रेन कर लिया। और उसमें थोड़ा ठंडा पानी से वॉश कर लिया क्योंकि उसको प्रोसेस रुक जाएगा बॉयल का। इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, थोड़ा वेजिटेबल क्रंचीनेस रहता है। और इसमें थोड़ा मैं सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब ये हो गया, एक थोड़ा दूसरा कढ़ाई बैठा लिया व्हाइट सॉस बनाने के लिए। दो चम्मच मैं बटर ऐड किया, बटर मेल्ट हो गया। और 2 चम्मच जो मैदा लिया और थोड़ा फ्राई कर लूँगी बटर के साथ। और अच्छी तरह से फ्राई होने को बाद ये सॉस बनाऊँगी। मैदा को अच्छी तरह से भून लेने को बाद जो फुल फैट मिल्क लिया वो ऐड करूँगी। देखिए कितना सुंदर भून के रेडी हो गया।
थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क ऐड करते जाऊंगी और उसको मिलाते जाऊंगी, क्योंकि लम्स रह जाता है इसलिए। अभी व्हाइट सॉस को मैं एक ग्लास दूध में नहीं हुआ, दो ग्लास दूध ऐड किया। अभी उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद जो वेजिटेबल बटर से फ्राई करके रखा वो ऐड किया। और जो पास्ता को मैं बॉईल करके ये करके रखा था, बॉईल करके रखा था, वो ऐड किया। अब गैस का फ्लेम कम कर दिया और अच्छी तरह से मिला लिया। ब्लैक पेपर जो क्रश करके रखा था वो ऐड कर दिया, और चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो मिक्स्ड हर्ब वो भी ऐड कर दिया। अभी अच्छी तरह से मिला लूँगी। अभी व्हाइट सॉस पास्ता मेरा बनके तैयार हो गया, गैस बंद कर रहा हूँ। और अभी मैं चीज़ को ऐड करूँगी, जो दोनों चीज़ लिया, ये स्मूथ एक बेटर और क्रीमीनेस स्ट्रक्चर आएगा इसके लिए मैं ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप लोग को पसंद है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। अभी ये बनके रेडी हो गया। एक प्लेटिंग कर लेती हूँ, प्लेट लेके देखिए कितना बढ़िया वाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया। खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी चिली फ्लेक्स देके मैं डेकोरेशन करूँगी। जो एक स्क्वायर चीज लिया वो घिस के ऊपर गरम। अभी ऐसे घिस के पूरा ऊपर फैला दिया और थोड़ा चिली फ्लेक्स ऊपर दे देती हूँ। स्वादिष्ट व्हाइट चीज़ पास्ता बनके रेडी हो गया। आप लोग बनाइए, खाइए और आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।